क्यों आपको Redmi Note 11 नहीं खरीदना चाहिए और क्या मेरे रीजन से अबाउट दिस फोन। तो बेसिकली इसकी जो कैमरा है वो भी डिसेंट है, प्रोसेसर भी अच्छा है एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छी डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन तो वही है लेकिन जो साइड हैं वो स्लिम है, स्लीक है, इसी वजह से जो है ना काफ़ी डिसेंट लगता है ये फ़ोन। इसकी जो प्राइस है वो मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज़्यादा ही है क्योंकि स्नैपड्रैगन 680 जो है वो इतना भी एफिशिएंट प्रोसेसर नहीं है जितना G95 और G96 स्लाइडली ज़्यादा पॉलिश्ड हैं एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 680। भले आप एंटूटू कंपेयर करो या गेमिंग परफॉर्मेंस कंपेयर करो तो G96 एंड जो अपना G95 ये बहुत बेटर हैं स्नैपड्रैगन 680 से। इवन स्नैपड्रैगन 720 जी से भी G95 G96 प्रोसेसर जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये जो है ना 60 FPS गेम प्ले सपोर्ट करते थे लेकिन क्योंकि ये ओवरहीट हो जाते थे एंड बैटरी ज़्यादा ड्रेन करते थे इसी वजह से कंपनी इसको 40 FPS पे लॉक्ड करती है। उसकी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है पबजी में कोई भी गेम आप खेलोगे G95 G96 में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट चलेगी, लेकिन अगर आप काइन मास्टर या कोई एडिटिंग ऐप यूज़ करते हो तो उसमें जो है ना स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। फोन का जो कैमरा है वो काफ़ी डिसेंट है प्राइस के हिसाब से, सेल्फीज़ जो है वो एवरेज है, मतलब नॉर्मल है, जैसे आपको 28-30 हज़ार का फ़ोन मिलता है वैसे ही आपको इसके अंदर सेल्फीज़ मिलती है। जैसा कि आप सबको पता है Xiaomi की जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स है वो भी काफ़ी मतलब डिलेड आती है एंड जो है ना उसका जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं होता जिसकी वजह से फ़ोन सही से चल नहीं रहा होता। मेरे दोस्त ने लिया था Redmi Note 10 Pro, उसके अंदर 120Hz था, कभी उसके अंदर अपडेट के साथ लैग आते थे, कभी वो लैग फिक्स हो जाती थी। तो मतलब अपडेट के साथ ये जो है ना चीज़ें फिक्स भी होती है, चीज़ें ख़राब भी होती है, वो डिपेंड करता है Xiaomi कौन सी अपडेट पुश कर रहा है। मेरी पर्सनल प्रीफरेंस होगी अगर आपको गेमिंग फ़ोन चाहिए तो Infinix Note 11 Pro या Canon 18P है वो आप खरीद सकते हो, या फिर कुछ पैसे और मिला के अगर आपको कैमरा फ़ोन चाहिए अच्छा तो V21e यूज्ड में आप 37, 38, 39 तक बाय कर सकते हैं। काफ़ी बेस्ट फ़ोन है कैमरास के हिसाब से, बैटरी के हिसाब से एंड इसी वजह से मतलब मैं कहूँगा कि थोड़ा वेट कर लो, Realme 9 सीरीज़ आने वाली है उसके बाद पता चलेगा कि कौन कितना पावरफुल है। वैसे तो इस फ़ोन में कोई भी मेजर इशू वगैरह नहीं है लेकिन जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। एक तो चीज़ थी वो है कैमराज आर नॉट दैट ग्रेट जो कि होने चाहिए फ्रंट वाली खास करके, और एक चीज़ ये है कि इसके जो Xiaomi की सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं वो भी सही नहीं होती। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया वो है रीसेल वैल्यू। Xiaomi की जो रीसेल वैल्यू है वो काफ़ी स्पीड से गिरती है। मेरे दोस्त ने 48,000 का लिया था Redmi Note 8 Pro और अब जो है ना वो 38,000 का उसका सेल हो रहा है और उसने सिर्फ 4 महीने ही चलाया इस फ़ोन को। सो या रीसेल वैल्यू आजकल किसी फ़ोन की भी नहीं है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल कर दो सब्सक्राइब और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.